टनकपुर बागेश्वर रेल निर्माण को लेकर बागेश्वर में जन आक्रोश रैली निकाली गई। रैली में दर्जनों की संख्या में महिलाएं व पुरुष शामिल हुए। उन्होंने रेल लाइन निर्माण के समर्थन में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। जिले में रेल मार्ग निर्माण के लिए समिति के सदस्य 15 अगस्त से अनिश्चितकालीन अनशन व धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनकी अभी तक किसी ने सुध नहीं ली है, जिसमें वह जिले के विकास के लिए रेल मार्ग निर्माण की मांग कर रहे हैं। इस दौरान लोगों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी भी की। साथ ही उन्होंने साफ किया कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हमारा आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। इसके अलावा आंदोलनकारी पीसी तिवारी ने सवाल उठाते हुए कहा कि जिस प्रकार केंद्र की बीजेपी सरकार बागेश्वर डैम बनवा रही है, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण टनकपुर बागेश्वर रेल मार्ग निर्माण क्यों नहीं कर रही है। उन्होंने स्थानीय सांसदों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि 10 सालों से यहां के किसी भी सांसद ने संसद में यह सवाल क्यों नहीं उठाया। उन्होंने कहा यहां के सांसदों ने हमेशा से ही क्षेत्र की उपेक्षा की है। बागेश्वर रेल निर्माण संघर्ष समिति द्वारा पिछले लंबे समय से कई वर्षों से संघर्ष किया जा रहा है। नहीं, दुर्भाग्य की बात है कि हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारी सरकारें लगातार उपेक्षा कर रही हैं, और अब तो वो पंचेश्वर बांध बनाकर इस रेल निर्माण, इस रेल के ये पथ निर्माण की पूरी संभावनाओं को नष्ट करने वाले हैं। हमारा कहना है कि हम पंचेश्वर बांध के विरोधी हैं, और जो जनता लगातार 100 साल से ऊपर ब्रिटिश सरकार ने इसका सर्वे कराया था और आज तक हम सर्वे में लगे हैं, तो हमारे प्रतिनिधि के लिए धिक्कार है। ये आंदोलन का हम समर्थन करते हैं, और पूरी जो यहाँ की जनता, जिसके सभी वर्गों के लोग जो संघर्ष में हैं, हमें उम्मीद है कि वो इस संघर्ष को तेज करेंगे, और जो सरकार इस मांग को पूरा नहीं करी वो सरकार सत्ता से जाएगी, मुझे ऐसा विश्वास है। हेलो उत्तराखंड न्यूज के लिए बागेश्वर से हिमांशु गड़िया की रिपोर्ट।